अरे बेटा, क्या हुआ? कुछ तो बता। मैं आज के बाद आपके साथ कभी भी किसी की शादी में भी नहीं जाने वाला। मुझे क्यों, क्या हुआ? वहां पर ले जाने का क्या मतलब था? ना तो मुझे कोई पहचानता था कि ना तो मुझे ये भी मालूम कि किसकी शादी थी। आखिर क्यों ले गए मुझे? अरे बेटा, जाना पड़ता है। वो अपने शर्मा साहब है ना, उनके बेटे की वाइफ की छोटी बहन के बेटे की शादी थी। क्या? अरे छोड़ना, इनविटेशन आया था और पूरी फैमिली को बुलाया था, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे वहां पर सब आपकी उम्र के थे, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? मैं यहाँ पे बोर हो गया था, उसका क्या? अरे छोटे छोटे बच्चों के साथ चिड़िया उड़ खेल रहा था। और तो और मैंने एक वेटर से जूस मंगाया, उसने उल्टा मुझे क्या बोला मालूम है? उसने बोला कि तेरे बाप से मंगा ले जा कमीने। यार मेरी क्या इज्जत रह गई वहां पे? अरे अरे बेटा, तू भी उल्लू बन गया। अरे वो वेटर नहीं था, वो दूल्हे के चाचा थे कोई। मैं भी उल्लू बन गया था तेरे जैसा, फिर मेरे को बाद में मालूम पड़ा। और वहां पे लोगों को बात करने की जरा सी भी तमीज ही नहीं है। साला जो मिलता था बेइज्जती करके चला जाता है। और एक अंकल मिले, वो क्या नाम था उसका कुछ मालूम नहीं, पर वो आए और मुझे पूछते, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा अंकल यूट्यूबर हूँ। उन्हें हंस के बोला, बेरोजगार हो साला, फिर से बेइज्जती। अरे बेटा, सभी शादी में ऐसा नहीं होता। और पापा, आपने सबको ये क्यों बता दिया कि मैं नागिन डांस बहुत अच्छा करता हूँ? करता तो है, कितना क्यूट लगता है। अरे मैं तब 10 साल का था, छोटा बच्चा। वहां पर सब लोगों ने मुझे इतना घेर लिया और चिल्लाने लगे, नागिन डांस नागिन डांस। तो तूने किया? तेरे साथ इतना सब हो गया, मैं कहा रसगुल्ले चाट रहे थे, रसगुल्ले।